आज हम बताने वाले हैं आलू टमाटर की सब्जी कैसे बनते हैं, बहुत ही अच्छी। तो चलिए देखिए, ये हम कुछ सामग्री लिए हैं। ये हमारे 4 से 5 टमाटर हैं, एक छोटी इलायची, बड़ी इलायची और काली मिर्च, जीरा, लौंग, दालचीनी, 2 तेज़पात, 1 कटा हुआ प्याज, 3 से 4 हरी मिर्च। चलिए ये देखिए, ये हम आलू कम से कम 5-6 लोगों के लिए हम सब्जी बना रहे हैं। तो ये हमारा आलू है 500 ग्राम। चलिए बनाते हैं। हम ऑयल डालते हैं, पहले तेज़पात जाएगा हमारा, और ये जो खड़े मसाले हम लिए हैं इसको हम डालेंगे, जैसे मिर्च, जीरा, दालचीनी, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, ये सब हम डालेंगे। इससे आपका फ्लेवर अच्छा आता है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। प्याज डालेंगे हम, हरी मिर्च डालेंगे, अब इसी में आलू डाल देते हैं। देखिए हमारा प्याज जो है हो गया है हल्का ब्राउन, इसमें हम आलू डालते हैं। ज़्यादा हम सब्जी को भूनेंगे नहीं, सब ठीक है। टमाटर बहुत बारीक नहीं काटे, थोड़ा मोटा काटे, और आलू भी हमारा थोड़ा मोटा मोटा काटे। देखिए इसको हम ज़्यादा भूनेंगे नहीं, हम मसाला डालते हैं सब। ये देखिए 2 चम्मच हम मसाला डालेंगे, मसाला हम गरम नहीं लिए, नॉर्मल वाला है। धनिया पाउडर 1 चम्मच, नमक हम डालेंगे, इसमें हम हल्दी पाउडर डालते हैं, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, इसको हम हल्का चलाएंगे। एक खासियत है सब्जी की कि आप इसको ज़्यादा भूनिए मत, बस ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 मिनट, इसके बाद आप पानी डालिए। ये देखिए कितना अच्छा हमारा कलर है। चलिए थोड़ा सा हम 1 मिनट तक भून लेते हैं। 1 मिनट हमारा हो गया है, इसमें हम पानी डालते हैं। देखिए ग्रेवी हम उतना ही लगाएंगे जितना कि सब अच्छे से सबके लिए हो जाए। ये देखिए थोड़ा सा हम कश्मीरी मिर्ची इसमें डालते हैं कलर के लिए, इससे आपकी सब्जी में कलर आ जाएगा, ये तीखी नहीं होती है। अब हम सीटी लगाते हैं। ये सब्जी हमारी बन गई है, अब थोड़ा ठंडा होने देते हैं, इसके बाद हम दिखाते हैं आपको। ये देखिए फ्रेंड्स, सब्जी हमारी बन के एकदम तैयार है। देखिए कितना अच्छा सब्जी हमारा दिख रहा है, और देखने में जितना अच्छा है उतने खाने में स्वादिष्ट है। अब इसमें थोड़ा सा हम धनिया की पत्ती का गार्निश करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।